अभी राम जी का अयोध्या में कोर्ट तीर्प आने का बाद मैं कुछ तो मेरे वजह से कुछ तो करना बोल के एक ईंट चांदनी का ईंट 2 किलो का चांदनी का ईंट बना के लेके कलेक्टर साहब को दे दिया। बाद में और चार मांगा, वो चार भी दे दिया, 5 ईंट दे दिया उधर शिलान्यास में। बाद में ये कुछ तो राम जी को कुछ तो करना बोल के अब 10,000 लड्डू बन के उधर बांट रहा हूँ रोज, 3 साल हो गया। अभी भोजन भी दे रहा हूँ साउथ इंडिया से आने वाले को। ऐसे ही ये भी अभी चांदनी 8 किलो चांदनी से चरण पाद का बनाया, अभी गोल्ड कोटिंग भी हो गया। ये चरण पाद का लेकर पूरा भारत में हर मंदिर में हर संत लोगों से पूजन किया, रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक। अभी राम जी का कैसा अरण्यवास गमन है, वो अयोध्या से रामेश्वरम तक कैसा गया, वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ। अभी चित्रकूट तक गया, चित्रकूट से कल 15 तक अयोध्या पहुंच जाता हूँ। जाने के अच्छा बाद 16 तारीख को योगी आदित्यनाथ को दे देता हूँ। अभी तक 7,200 किलोमीटर पूरा हो गया। पूरा राम जी ने किधर किधर घुमा, वही ढूंढ ढूंढ के जंगल पहाड़ी के ऊपर पूरा देख के इसे आ रहा हूँ। अभी पूरा अयोध्या तक जाने के लिए 7,600 किलोमीटर हो रहा है पूरा। तो कब तक आप पहुंचेंगे सर? 15 जनवरी 15 तक पहुंच जाता हूँ। कल से आप फिर से स्टार्ट? हाँ, कल चित्रकूट से रुके के आया, ये गोल्ड कोटिंग के वास्ते आया इधर। वो गोल्ड कोटिंग हो गया, ये लेके फिर चित्रकूट से शुरू करता हूँ मैं। एक महामुनि ने राम जी चरण पादुका से वर्णन किया, उसमें सूर्य चंद्र पूरा ऐसा सिंबल पूरा रहता, धनुष और मत्स्य यंत्र कलश सिंह चक्र गदा पूरा है, वही हिसाब से बनाया है चरण पादुका। सर कैसा लग रहा है आपको आपका चरण बहुत पादुका? बहुत संतुष्ट हो गया, मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ। डे बाय डे इनके उत्साह हो रहा है ऐसा राम जी का काम पे, भक्तों भी बहुत खुशी होके दर्शन कर रहा है।